Good morning. Today we will continue the chapter, the polar regions, that is Greenland. Okay. Yes. The life of the people in the past. पहले यहाँ के लोगों की क्या जिंदगी था? The Greenlands are the Inuit or Eskimos. जो Greenlanders हैं उनको हम लोग Eskimos या Inuit के नाम से जानते हैं इनको. Evangelical Lutherans is a religion of the people of the Greenland. Greenland के लोगों का जो धर्म है वो इवेंजेलिकल लूथरन है नाम का रिलीजन है, धर्म को ये मानते हैं. हंटिंग एंड फिशिंग आर द चीफ लिवलीहुड ऑफ द ग्रीनलैंड्स पीपल. यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है जिसके लोगों के ऊपर इनकी ये ज़िंदगी गुजरती है वो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं और फिशिंग करते हैं. बिकॉज उसकी मेन कारण ये है कि यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती. देयर इज़ नो फार्मिंग क्योंकि पूरा जो इनका एरिया है वो बर्फ़ से साल भर ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होती है. अबाउट 90% मोर देन 90% ऑफ द पीपल इन ग्रीनलैंड रिसाइड बाय द वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड. ज़्यादा अधिकतर लोग जो हैं अबाउट 90% लोग या 90% से ज़्यादा लोग वो जो ग्रीनलैंड के जो वेस्ट कोस्ट है उधर की तरफ रहते हैं. द एस्किमोज आर नेटिव पीपल ऑफ द ग्रीनलैंड्स और एस्किमोज जो हैं वो यहाँ के मुख्यतः रहने वाले लोग हैं. अ फ्यू यूरोपियंस ऑल्सो लिव हियर और अब कुछ यूरोपियंस भी यहाँ पर आकर के सेटल हो गए हैं. द एस्किमोज आर द शॉर्ट एंड द स्टाउट पीपल. यहाँ के जो एस्किमोज होते हैं ये छोटे होते हैं और ठिकने काठी के लोग होते हैं. दे हैव द फ्लैट फेसेस विद द नैरो ब्लैक आइज. इनके जो चेहरे चपटे चेहरे वाले होते हैं और इनकी काली आँखें होते हैं. दे हैव अ कॉपर येलो कॉम्प्लेक्शन और इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो वाइट के साथ साथ वो येलोइश कॉपर कॉम्प्लेक्शन होता है. उनकी जो रंगत होती है बॉडी की, उनकी बॉडी का जो कलर होता है वो कॉपर येलोइश कलर होता है. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ग्रीनलैंड इज ग्रीनलैंडिक, दैट इज द कैलुलिस. ओके. एंड द डेनिश एंड द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक बोथ द लैंग्वेज. इसके साथ साथ यहाँ पर डेनिश लैंग्वेज भी बोली जाती है. ये यहाँ की एस्किमोज हैं. They wear the fur. Occupation, fishing is the dominating occupation. यहाँ के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो फिशिंग है. Accounts of the 95% of the total export. जिसमें से तकरीबन 95% जो है वो एक्सपोर्ट होता है. Many people build and use their own boat called the kayak. ये लोग अपनी खुद की बोट बनाते हैं जिसको कि हम लोग kayak के नाम से जानती हैं. टू डू फिशिंग, जो कि फिशिंग के काम में आती है. अ कैग इज मेड अप ऑफ एनिमल स्किन. ये कैग जो होती है वो एनिमल स्किन की बनी होती है. इन द आउटर एरियाज पीपल यूज द हरपून्स टू डू द हंटिंग ऑफ द सील एंड वेल. और ये लोग एक तरह का जो हथियार होता है जिसको ये हरपून के नाम से जानते हैं, जिसकी मदद से ये लोग शिकार करते हैं. विशेषता ये लोग सील और वॉलरस का शिकार करते हैं. अ लार्ज बोट कॉल्ड द यूमैक इज़ यूज फॉर हंटिंग वेल्स और एक बड़ी बोट भी ये बना होती है जो ये इस्तेमाल करते हैं, उसको ये वेल की हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं. अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड एग्रीकल्चर सच एज वेजिटेबल्स एंड पोटैटोज ओनली. ओके. एंड द माइनिंग, और यहाँ पे माइनिंग भी एक प्रमुख व्यवसाय है. टूरिज्म इज़ इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री और इस समय यहाँ पर धीरे धीरे टूरिस्टों का ये अट्रैक्शन बनता जा रहा है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं. ये एक छोटी नाव जिसको कि हम लोग कायक के नाम से जानते हैं. ओके. फूड एंड क्लोथिंग, यहाँ के लोगों के कपड़े कैसे हैं? ग्रीनलैंडर्स गेट देयर फूड एंड क्लोथ्स मेनली फ्रॉम द सील. बिसाइड्स द सील्स दे हंट वॉलरस,
वॉलरस, बेयर, फॉक्स एंड द अदर एनिमल्स। और ग्रीनलैंडर्स जो होते हैं वो अपने खाने और क्लोथिंग के लिए मेनली जो होते हैं ये सील के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर सील को हम लोग छोड़ दें, ये वॉलरस, बेयर, फॉक्स और दूसरे एनिमल्स के भी शिकार करते हैं। दे ऑल्सो ईट लैंड एनिमल्स। इसके साथ ही साथ ये लोग ज़मीन में रहने वाले जो जानवर हैं उनका भी ये शिकार करते हैं, जैसे कारीबाउ एंड द गीज इन द समर। यहाँ पर गर्मी में ये लोग कारीगीज और गीज का शिकार करते हैं, एंड पोलर बेयर, फॉक्सेस एंड द हेयर इन विंटर। और जबकि ये जाड़े में ये पोलर बेयर, फॉक्सेस और हेयर को शिकार करते हैं। ग्रीनलैंडर्स मेक देयर कोट फ्रॉम द स्किन एंड द फर ऑफ द एनिमल्स। इनके जो कपड़े होते हैं वो स्पेशली स्किन, जानवरों की स्किन के और जानवरों के फर से बने होते हैं। दे यूज़ द ट्राउजर्स विद द जैकेट एंड द लॉन्ग बोट्स। ये जो होते हैं ये ट्राउजर्स पहनते हैं और जैकेट रहती है और बहुत लंबी बूट पहनते हैं, ये ऊँचे ऊँचे बूट पहनते हैं। ये फिशिंग का शिकार कर रहे हैं और ये उनके ड्रेस हैं, ये उस ड्रेस में मौजूद हैं। देयर जैकेट एंड द कोट्स हैव द वुड टू कवर देयर हेड। और इनकी जैकेट जो होती है वो हुडेड होती है ताकि इनके जो सर हैं वो आसानी से कवर हो जाएं और ये आसानी से जो ये बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर से ये अपने आप को बचा सके। देयर जैकेट्स विद द हुड्स इज कॉल्ड परका। और ये हुडेड जैकेट को परका के नाम से जाना जाता है। हाउसेज इन्यूटीज और द एस्किमोज लिव द स्मॉलेस्ट हाउसेज कॉल्ड द इग्लू। और ये जो इग्लू एक बर्फ़ के घर होते हैं इसको इग्लू के नाम से जानते हैं। ये हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ इग्लू, ये बर्फ का घर होता है। एन इग्लू इज़ अ स्मॉल मेड अप ऑफ आइस क्यूब, ये कि आइस क्यूब का बना होता है। इग्लू इज़ अ डोम शेप्ड हाउस, ये डोम शेप्ड हाउस होता है। हैविंग अ लो नैरो गेट, जिसमें कि बहुत छोटा गेट होता है। एनिमल्स स्किन और फल्स आर यूज टू कवर द फ्लोर, और उनकी ज़मीन को कवर करने के लिए ये लोग स्किन और फर का यूज़ करते हैं। इन समर दे लिव्स इन द स्किन टेंट्स कॉल द टॉपिक्स। और जो गर्मी में जब बर्फ मेल्ट होने लगती है उस समय ये लोग स्किन के बने, एनिमल स्किन के बने हुए टेंट होते हैं उसमें ये रहते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल इन द रीसेंट। अब जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, लोगों के लाइफ स्टाइल बदल रही है, तो ये लोग भी उनसे अछूते नहीं ना। और द लाइफ ऑफ द एस्किमोज हैज़ द अंडरगोन मैनी चेंजेज इन द रिसेंट टाइम्स। और इस समय बहुत सारे इनके बदलाव हुए हैं इनके रहन सहन में। नाउ ग्रीनलैंडर्स लिव इन परमानेंट हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी। और इस समय ये परमानेंट हाउस में रहते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद होती है। दे यूज़ मॉडर्न मशीनरीज लाइक द आउटबोर्ड मोटर्स एंड द पावर्ड स्लेज। और अब ये लोग पावर्ड स्लेज का इस्तेमाल, मशीन से बने जो स्लेज चलते हैं उनका ये यूज़ करते हैं। इसके साथ ही साथ ये मोटर, आउटबोर्ड मोटर का यूज़ करते हैं। दे यूज़ द रिफिल्स फॉर द हंटिंग एंड मोटर बोट्स फॉर फिशिंग। और ये लोग जो होते हैं अब ये लोग राइफल्स का यूज़ करते हैं और उसकी मदद से ये लोग शिकार करते हैं और मोटर बोट को ये लोग फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। दे हैव रेडियो, टेलीविज़न एंड कंप्यूटर इन देयर हाउसेज। और ये अपने ये लोग कंप्यूटर, टेलीविज़न और रेडियो का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। मैनी एजुकेशनल सेंटर्स एंड द हॉस्पिटल हैव बीन सेटअप। और यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर और हॉस्पिटल जो हैं वो बनाए गए हुए हैं। एंड देयर कंपनी एंड द कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग एट रैपिड स्पीड। और इस समय बहुत ही प्रगति के साथ ये आगे की ओर अग्रसर है, जो आधुनिकता की ओर अग्रसर है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री सच एज ऑयल ड्रिलिंग एंड द माइनिंग कैन बी सीन इन द
इन द कंट्री। और इस समय यहाँ पर जो माइनिंग कुछ इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप कर रही हैं, जैसे कि माइनिंग है और ऑयल ड्रिलिंग। यहाँ पर इन चीज़ों की बहुत संभावना है कि यहाँ पर इसकी सतह के नीचे इस तरह की चीज़ों का खजाना भरा हुआ है। मेनी फर फॉर्म्स हैव बीन सेटअप इन द ब्रीड एनिमल्स, और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं ब्रीड एनिमल्स के फर फॉर्म्स भी, उसकी भी इंडस्ट्री लगाई गई है। टुडे देयर इज़ अ फाइन नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, और यहाँ इस समय यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की भी अच्छी सुविधा हो गई है। गुड रोड कनेक्टेड टाउन्स, गुड अच्छी रोड से शहरों को जोड़ा गया है। सम टाउन्स हैव एयर लिंक विद द डेनमार्क एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और डेनमार्क को हवाई मार्ग से भी जोड़ा गया है। द कैपिटल ऑफ द ग्रीनलैंड इज़ द गोथाबॉर्ग और द नूक। होलिस्टनबर्ग, नाउ नोन एज द सिसुमुइट, इज़ अ लार्ज पोर्ट सिटी, ये एक बड़ा शहर है, लार्ज पोर्ट सिटी है। द मेजर एयरपोर्ट ऑफ द कंजर लुसुक्विक एयरपोर्ट, जिसको कि पहले ब्लू वेस्ट एट के नाम से जाना जाता था, ये वहाँ का एयरपोर्ट है। इट इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। ग्रीनलैंड हैव 18 क्राफ्ट एयरफील्ड नाउ, और इस समय ग्रीनलैंड में 18 एयरफील्ड हैं, 18 एयरफील्ड्स हैं। आउट ऑफ 14 आर पेव्ड, जिसमें कि 14 जो हैं पेव्ड हैं, और डोमेस्टिक फ्लाइट जो है यहाँ पर ग्रीनलैंडर्स के लिए खुली रहती है। सो इट इज़ वेरी डेवलप्ड कंट्री, ओके।